ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਅਮਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਯੋ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋ ਚਲੋ ਅਬ ਆਜ ਕੇ ਟੋਪਿਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹਮ ਲੋਗ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ ਪੇ ਨਏ ਹੋ ਤੋ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਨਾਓ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਸ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਪੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟਫ ਡਾਲਦੀ ਰਹਿਤੀ ਹੂੰ ਜੋ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਅੱਛੇ ਲਗੇ ਤੋ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟ ਨਾਓ ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ आज हम लोग सर्वाइकल को कवर करने वाले हैं कि सर्वाइकल जब भी आपको सर्वाइकल का इशू हो जाता है उसका मेन रीज़न रॉन्ग पोस्चर या फिर कोई इंजरी हो रखी हो उसकी वजह से सर्वाइकल नाव में इशू हो जाता है या फिर रॉन्ग पोस्चर आपने किसी एक्सरसाइज करते टाइम आपका रॉन्ग पोस्चर है या फिर नॉर्मली जब लोग 24 घंटे ऐसे मोबाइल चलाते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्रेन पड़ जाता है जिसकी वजह से सर्वाइकल का इशू हो जाता है वो भी एक रीज़न हो सकता है। एक चीज़ मैं पहले बोल देती हूँ वो ध्यान देना, अगर आपको डिस्क का इशू है और डॉक्टर ने आपको फॉरवर्ड बेंडिंग देने से मना किया है तो आप इसको नहीं करोगे। तो करने से पहले ध्यान आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन अगर आप अगर आपको डिस्क का इशू नहीं है और आप देन यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेचिंग एंड यू विल डेफिनेटली फील रिजल्ट। करते टाइम भी आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, ये इतनी इफेक्टिव स्ट्रेचिंग है और ये वॉल योगा में आता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेचिंग करते हैं वॉल के साथ में। सबसे पहले कम ओवर योर नी पे आना है और आपको शोल्डर लेवल पे हाथों को स्ट्रेट करना है। सबसे पहले नाउ breathe in this position, breathe out, get back, take a hip down and feel the stretching. You feel the stretching, breathe in, breathe out 5 times. Do 5 breathing in this position, then come up. Again, breathe in, go down, take a hip back. In this position, you'll feel stretching on your neck, shoulder and lower back. Now do 5 deep breathing in this position. Now come up and relax. So agar is channel ki ek khasiyat ye hai ki main aapko bahut zyada complicated cheeze nahi batati hu, bahut simple si technique hoti hai, bahut simple sa solution hota hai. To agar aap simple si stretching bhi kar lete ho to aapko karte karte hi relief feel hone wala hai. आई एम हैविंग 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और इससे हमने बहुत सारे लोगों के सर्वाइकल का इशू ठीक हुआ है। सो दैट्स वाई आई एम हेयर, यू कैन ट्राई इट फ्रीली। बट आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इशू है तो फर्स्ट कंसल्ट विद योर डॉक्टर, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो यू कैन डू इट। और ध्यान रखना है कि आपके हाथ शोल्डर लेवल पे हो और जब नीचे जा रहे हो तो आपके बैक में कर्व बनना चाहिए, दैट वन। और ये सिंपल सा स्ट्रेच है, अगर आप इसी को करोगे तो आपको डेफिनेटली बेटर फील होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए। कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम amandeep.rajput.75। आपको इसका लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, यू कैन फॉलो मी देयर। और गाइस, इफ़ यू वांट टू हैव ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर मी, यू कैन ज्वाइन बाय ऑनलाइन क्लासेस जो कि जूम पे अवेलेबल है। जस्ट पिंक मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस एंड आई विल गेट यू डिटेल्स सून। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।